राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं लेने वाले राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल में आर्थिक तंगहाली का संकट इतना बढ़ गया है कि मंडल को अब पाठ्यपुस्तकें छपवाने के साथ अपने कार्मिकों के वेतन पेंशन फंड आदि के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं बचा है। अगर यही हाल रहा तो आगामी सेशन के लिए मंडल पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित नहीं कर सकेगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का हाल बेहाल। जरूरत 322 करोड़ की, लेकिन जेब में केवल 62 करोड़ 50 लाख। ना पेंशन फंड के लिए पैसा, ना कार्मिकों के वेतन के लिए। पाठ्य पुस्तकें छपवाने के लिए भी नहीं बचा पैसा। राज्य सरकार की पाठ्य पुस्तकों की योजना के तहत निदेशालय प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की मांग के मुताबिक पाठ्य पुस्तकों की सप्लाई मंडल की ओर से राजस्थान के हर जिले के नोडल केंद्र पर की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मंडल ने 2 करोड़ 23 लाख और नवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 17 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी, जिसका पैसा भी नहीं मिला है। जरूरत है इतनी रकम की। पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग का पेपर खरीदने के लिए 200 करोड़, प्रिंटिंग पर होने वाले खर्च के लिए 50 करोड़ रुपए, कर्मचारियों के वेतन के लिए 12 करोड़ रुपए, पेंशन फंड के लिए 40 करोड़ रुपए, अन्य खर्च के लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत, यानी कुल 322 करोड़ रुपए की जरूरत मंडल को है। पाठ्य पुस्तक मंडल की वित्तीय स्थिति। FDR राशि 30 करोड़ 50 लाख रुपए, चालू खाते की स्थिति 18 करोड़ रुपए, PD खाते की स्थिति 14 करोड़ रुपए, मंडल के पास कुल बची राशि 62 करोड़ 50 लाख रुपए। पेंशन के लिए भी वित्त विभाग का इनकार। मंडल को वित्त विभाग ने कार्मिकों के पेंशन के लिए भी कोई राशि देने से इनकार कर दिया है। वित्त विभाग ने लिखा कि पेंशन में होने वाले व्यय का भुगतान मंडल को अपने स्तर पर ही करना होगा। जो हमारा जिसको उन्होंने प्रॉफिट ट्रीट किया वो सरप्लस है, वो कई बार एक साल में कोई अमाउंट सरप्लस हो जाता है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसको प्रॉफिट नहीं माना जा सकता। यही चीज हमने पे ली है और उसको हम जो एजुकेशन जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है उसमें मंडल खर्च करता है, जैसे शिक्षक दिवस सम्मान समारोह है, वैज्ञानिकों को पुरस्कार है, संस्कृत के वैज्ञानिकों को है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल उसके लिए फंडिंग करता है। तो हम कोई मतलब हमें कोई प्रॉफिट को लेकर हम कहीं इसमें से निकालते नहीं है। इस पैसे को जो भी सरप्लस रह जाता है, अगर कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जो है बच्चों को न्यूनतम हम जो एक्चुअल पैसा होता है वही चार्ज करते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई कई बार किसी पैसे के इंटरेस्ट की इनकम से या और कोई जो पेरेंटी हम लगाते हैं कई बार बुक्स लेट सप्लाई होती है तो उससे अगर कोई इनकम हमारे पास जनरेट हो जाती है तो वो हमारा सरप्लस है अमाउंट होता है, उसको हम इस तरह की एक्टिविटीज में खर्च कर देते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल इन दिनों आर्थिक बदहाली की स्थिति से गुजर रहा है। पाठ्य पुस्तक मंडल को आगामी सत्र में पाठ्य पुस्तकें प्रिंट करवाने के पेपर के लिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए की जरूरत है और साथ ही जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनके वेतन और पेंशन आदि के लिए भी करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन पाठ्य पुस्तक मंडल की जेब में है मात्र तकरीबन 62 करोड़ रुपए। यदि शिक्षा निदेशालय से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो संभावना मानी जा रही है कि आगामी सत्र में पाठ्य पुस्तक मंडल बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवा पाएगा। पत्रिका टीवी के लिए राखी हजेला।